हेलो दोस्तों, तो मैं गेम ग्लैमेजोन सीरीज का नेक्स्ट पार्ट लेके, और इस पार्ट पे हम कैटेगरी क्रिएट करेंगे करंट एंड जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं फिक्स करेंगे। और गाइस, अब देखो क्या करना है आपको। जितने भी प्लेलिस्ट है ना, तीन प्लेलिस्ट भी मैंने क्रिएट किया है। एक ग्लैमेजोन ऐप डाटाबेस डिजाइन, इसमें सिर्फ डाटाबेस से रिलेटेड वीडियोस को ऐड करूंगा। आप इसको बुकमार्क कर लो या फिर सेव कर लो, यहाँ से करके आपको आ जाएगा सेफ का ऑप्शन, ठीक। और एक है ग्लैमेजोन ऐप एडमिन पैनल, यहाँ पे सिर्फ जो लारावेल का कोड होगा एडमिन पैनल का और एपीआई का, वो चीज़ यहाँ पे ऐड होगा। और एक है आपका ग्लैमेजोन ऐप डेवलपमेंट ट्यूटोरियल सीरीज इन लारावेल, एंड पूरा फुल डिटेल्स के साथ इसका नाम। आप इसको भी बुकमार्क कर लो, यहाँ पे सारे वीडियो आएंगे, लारावेल हो, एंड्रॉयड हो, डाटाबेस हो, फ्लटर हो, सारे आएंगे, राइट। और गाइस, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो। और गाइस, आपको यदि आप सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, सपोर्ट आप कर सकते हो। हाँ, लेकिन यदि आप सपोर्ट करो तो प्लीज एक मैसेज जरूर छोड़ो कि आपने सपोर्ट किया है, ताकि सबको पता चले। और गाइस देखो, यहाँ मैंने सारे प्लेलिस्ट का लिंक भी ऐड कर दिया है। सारे वीडियो में जितने भी प्लेलिस्ट के लिंक होंगे, सारे के साथ यहाँ पे एडिट होंगे। और आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बुकमार्क कर सकते हो या फिर डायरेक्ट जाके विजिट कर सकते हो। सोर्स कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये प्राइवेट है। जैसे ये कंप्लीट होगा सीरीज, ये सोर्स कोड मैं पब्लिक कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं आ गया अपने वीएस कोड पे। और देखो, पहले तो हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे क्या करना होगा, ऐप के अंदर जाना होगा, जो कि बग है उसको फिक्स करना, और वैल्यू ऑब्जेक्ट के अंदर जाना होगा, एड्रेस के अंदर। मैंने यहाँ पे क्या किया है, नेम स्पेस ऐड नहीं किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं नेम स्पेस ऐड करूँगा, तो यहाँ पे आऊँगा, एंटर करके पेस्ट कर दूंगा। देखो मैंने क्या किया, नेम स्पेस ऐप फोल्डर का नाम, फिर वैल्यू ऑब्जेक्ट फोल्डर का नाम, ये हो गया आपका नेम स्पेस, ये हो गया फिक्स। इसको करेंगे सेव, आई थिंक सेव ही होगा। तो मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मुझे लॉगिन से कुछ फिक्स करने दे। तो अभी आप लॉगिन कर रहे होगे ना, जैसे मान लो आप लॉगिन हो और उसके बाद से डी पैनल लोकल होस्ट 8000/DPanel ऐड करोगे, तो आपको कहीं और जाएगा, जबकि आपको डैशबोर्ड के अंदर जाना चाहिए, लेकिन आपको होम पे भेज देगा। उस चीज़ को हम फिक्स करेंगे। तो क्या करेंगे, अपने जाएंगे मिडिलवेयर में, HTTP कंट्रोल, सॉरी मिडिलवेयर एंड ऑथेंटिकेटेड, और क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। आप इसको टाइप कर लेना। देखो मैंने क्या किया, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मैं एक काम करता हूँ, इसके नीचे पेस्ट करता हूँ ताकि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूँ। देखो मैंने क्या किया है, ये सेम एज है, नल है ना, ये नल है। यहाँ पे मैंने सारा कोड लिखा है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एक ब्रैकेट लगाया है, मेन ब्रैकेट, इसको मैं एंटर कर देता हूँ। और उसके अंदर मैंने क्या किया, देखो फॉर्मेट, यहाँ मैंने क्या किया है, रिक्वेस्ट डॉट सेगमेंट वन, यानी कि जो लोकल हो 8000 के बाद जो आएगा वो सेगमेंट वन होगा। वहाँ पे हमारा डी पैनल आता है, इक्वल इक्वल कॉन्फिग डॉट डी पैनल डॉट प्रीफिक्स इक्वल है, तो हमारा ये काम करेगा और यहाँ पे रिडायरेक्ट करेगा। ओके, यानी कि हमारा डी पैनल का लॉगिन जाएगा, अदरवाइज जो नॉर्मल लॉगिन होगा यूजर्स के लिए वहाँ पे चला जाएगा। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यही होता है ये वाला, तो आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, या बाय डिफॉल्ट ये रखते हो तो सही है। इसको अब कर देंगे डिलीट। सेम काम हमें यहाँ पे भी कर, रीडायरेक्ट इफ ऑथेंटिकेटेड, यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट, फिर आपको बताता हूँ। देखो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, डायरेक्ट है रीडायरेक्ट डॉट समथिंग, ये आपको होम पे भेज दे रहा है, लेकिन हमें होम पे जाना नहीं है, मैं ऐसे कर दूंगा। देखो मैंने क्या किया, सेम चीज, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट डॉट सेगमेंट वन इक्वल इक्वल कॉन्फिग डॉट प्रीफिक्स, यदि इक्वल है तो हम क्या करेंगे, रिडायरेक्ट करेंगे डी पैनल के डैशबोर्ड के, अदरवाइज जो बाय डिफॉल्ट है वहां पे रहेगा। इसको मैं सेव करूंगा एंड क्लोज करूंगा। देखो ये तो हमारा हो गया। देखो अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कमांड रन करूंगा, टर्मिनल आप देख सकते हो, PHP, देखो मेरा PHP टाइप नहीं हुआ है, पी नहीं टाइप हुआ, ये अलग दिक्कत है यार। तो मैं करता हूँ, देखो मैंने क्या किया, PHP आर्टिशन मेक कंट्रोलर डी पैनल स्लैश कैटेगरी कंट्रोलर हाइफन हाइफन मॉडल इक्वल टू कैटेगरी हाइफन कैपिटल आर हाइफन एफ एन ए पी आई। मैं बताता हूँ मैंने क्या किया। देखो
ये डी पैनल के अंदर चाहिए, इसलिए मैंने डी पैनल प्लस कैटेगरी कंट्रोलर किया है, और हाइफन आर ताकि मैं रिक्वेस्ट फॉर्म मिल जाए, और हाइफन एपीआई ताकि जब रिसोर्स क्रिएट हो ना तो मैं उसमें एडिट ना मिले और क्रिएट वाला राउट ना मिले, क्योंकि मैं इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट होगी तो एपीआई पास नहीं करेंगे। तो मैं एंटर करता हूँ एंड वेट करता हूँ। देखो सारे फाइल बन गए ना, दिखाता हूँ। एक स्टोर अपडेट एंड ऑल्सो कंट्रोलर फाइल बन गया, कोई नहीं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा एपीआई डी पैनल पे आऊँगा, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ, कोई नहीं, मैं ऐसे करता हूँ, ये कर दूंगा यूज ताकि ये छोटा हो जाएगा। ऐप बैकस्लैश एचटीटीपी कंट्रोलर एंड डी पैनल, ये हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूंगा लाइक दिस। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, और इसको मैं क्या करूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, मैं बीस से हटा दूंगा ऐसे, देन कर दूंगा ऐसे, और यहाँ पर कर दूंगा कॉल कॉल क्लास, एंड ये हो जाएगा डीप पैनल, डीप पैनल बैक स्लैश, ये हो गया राइट। और ये इसको सिंगल कोट के अंदर या डबल कोट के अंदर ऐड कर दूंगा। देखो मैंने कुछ और ही कर दिया, यहाँ पे करता है, हो गया। अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे एक करूँगा राउट कॉलन कॉलन एपीआई रिसोर्स कैटेगरी, और यहाँ पे पास कर दूंगा बैक स्लैश डैशबोर्ड, क्या कहते हैं डी पैनल बैक स्लैश कैटेगरी कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास, एंड हमें शो का जो मेथड होता वो नहीं चाहिए, तो एक्सपेक्ट के अंदर शो टाइप कर दूंगा, ये हमारा शो वाला मेथड नहीं होगा, राइट। कंट्रोलर का सॉरी राउट का काम खत्म। अब मैं चलता हूँ ऐप, अभी नहीं, देखो मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ व्यूज डी पैनल के अंदर कैटेगरीज डॉट प्लेट डॉट पी एच पी। अब मैं इसमें पेस्ट करूँगा गाइस, देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो एक्सटेंड किया लेआउट को डी पैनल डॉट लेआउट डॉट ऐप, उसके बाद से मैंने यहाँ पे टाइटल ऐड किया कैटेगरीज, देन मैंने क्या किया, ये तो बात की बात बताए, स्क्रिप्ट को पुश किया और उसके अंदर ये चीज ऐड किया ताकि हमें यदि जब पॉपअप वाला एरर आया ना तो हमें दिख जाए, इफ एरर एनी लेट मैसेज इक्वल टू नल, एंड फॉर ईच मैंने चला दिया है। यहाँ पे जो कोई भी एरर होगा, जो साइड में यहाँ पे एरर आता है ना, उस एरर के लिए मैं ये कोड किया हूँ, बस इतना समझ लो बात खत्म। अब देखो मैंने क्या किया, बॉडी कंटेंट के अंदर मैंने एक डी आई फी लिया, ये क्लास दिया, देन मैंने किया लिया एच वन एंड फॉन्ट हाइफन मीडियम, उसका क्लास दिया, कैटेगरीज लिखा, फिर उसके बाद मैंने एक बटन लिया जो कि लास्ट साइड में दिखेगा, क्लास मैंने ये दे दिया न्यू, एंड शो बॉटम सीट यहाँ पे कॉल कर दिया है, शो बॉटम सीट नीचे बना हुआ है। उसके बाद से मैं टेबल पे आता हूँ, तो मैंने टेबल का क्या किया गाइस, देखो आपको डैशबोर्ड पे मिलेगा टेबल बाय डिफॉल्ट, इस टेबल को कम्प्लीटली कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो, देन ये जो रिप्लेस करना है ये दो तीन चीज रिप्लेस करो, नेम कैटेगरी नेम पेरेंट कैटेगरी नेम, और उसके बाद से सारे अदर्स कॉलम को डिलीट कर दो। फिर से आप आओ फॉर ईच में, यहाँ पे लिख दो कैटेगरीज एस कैटेगरी और अदर फील्ड को छोड़ के डिलीट कर दो जो भी एक्स्ट्रा है। मैंने यहाँ कैटेगरी कर दिया कैटेगरी एरो पेरेंट क्वेश्चन मार्क नेम, देख लो मैं बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, कैटेगरी पर पेज इंटू कैटेगरी करंट पेज माइनस वन प्लस लूप आइटरेटर, ये है जो 1 2 3 4 दिखता है ना उसके लिए है, ये जब पेजिनेशन हम लगाते हैं तो ऐसे यूज करते हैं। एक काम मुझे देखो मैंने कर दिया, यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ ऐसे डॉलर दिस, और इसको मैं करता हूँ ऐसे लिंक, देखो ऑटोमेटिक लिंक्स का बन ही गया, तो मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, इधर वाला एक्स्ट्रा और इधर वाले दो एक्स्ट्रा, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा लेआउट फाइल जो कि है पेजिनेशन, राइट।
लेआउट dplyr डॉट लेआउट डॉट पेजिनेशन वाली फाइल फॉर्मेट हो रहा है। अब देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे गाइस कैटेगरी एरो नेम कर दिया। यहाँ पे देखो मेन चीज ये है, पेरेंट क्वेश्चन मार्क नेम लिखा है, यानी कि यदि पेरेंट एग्जिस्ट करता है देन नेम आएगा, लेकिन एरर नहीं देगा, न लेवल भी हो सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है, उस तरह से डायरेक्ट कॉल करता है ना, तो जिसपे नहीं होता तो हो सकता पॉसिबल है था कि उस तरह से पॉसिबल था कि एरर दे, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो आप ये एरर नहीं देगा एग्जिस्ट हो या नहीं हो। और ये एग्जिस्ट नहीं होगा यानी कि वो पेरेंट है, तो यहाँ पे मैं बाय डिफॉल्ट रूट टाइप कर दूंगा, यानी कि जो भी जिसका भी पेरेंट कैटेगरी नहीं होगा वो रूट कैटेगरी होगा, यानी कि मेन कैटेगरी होगी। ओके चलो छोड़ो, अब आते हैं यहाँ पे एक्शन वाले पे। एक्शन वाले पे मैंने ये क्लास दिया है, फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट, ये सारी चीज दी हुई है। यहाँ पे दो ऑप्शन लिया, एक बटन लिया है जो कि हमारा एडिट के लिए, और एक फॉर्म लिया है जो कि हमारा डिलीट के लिए है। बटन पे मैंने ऑन क्लिक लगाया है, और यहाँ पे मैंने देखो क्या किया है, एडिट कैटेगरी का फंक्शन कॉल किया है। यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ कैटेगरी आईडी, कैटेगरी नेम एंड कैटेगरी पेरेंट आईडी, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। और यहाँ पे जो फॉर्म है यहाँ पे राउट मैंने दे दिया, और यहाँ पे कैटेगरी पास कर दिया है। मेथड मैंने पोस्ट रखा है, फिर CSRF टोकन ऐड किया है, एंड मेथड यहाँ पे डिलीट होगा लाइक दिस, एंड बटन में ऐड कर दूंगा डिलीट का, और टाइप इसका सबमिट कर दूंगा। और ऊपर मैंने क्या किया, जो एडिट कैटेगरी है, एडिट कैटेगरी मैंने वहां से पास किया था ना, तो यहाँ पे रिसीव कर लिया है आईडी नेम एंड पेरेंट आईडी। यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई आईडी फॉर्म, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट देखो मैंने क्या किया, एडिट फॉर्म एक्शन। यहाँ पे जो है विंडो डॉट लोकेशन डॉट एचटीएफ, यानी कि जो भी करंट यूआरएल है वो, और उसको स्लैश करके आईडी ऐड हो जाएगी। उसके बाद से मैंने कैटेगरी नेम वैल्यू सेट कर दिया, एंड पेरेंट कैटेगरी आईडी को भी मैंने वैल्यू सेट कर दिया, एंड देन सो बॉटम सीट को मैंने कॉल कर दिया है। यहाँ पे मैंने आईडी पास कर दिया है एडिट बॉटम सीट। चलो नीचे आते हैं, ये रहा मेरा बॉटम सीट। जैसे टेबल खत्म होगा वहां पे बॉटम सीट स्टार्ट होगा, ये भी आपको डैशबोर्ड से कॉपी कर लेना है और अपने हिसाब से एडिट कर लेना है, या तो आप पूरा कंप्लीट टाइप करो। ओके मैंने डैशबोर्ड से कॉपी किया, देन अपने हिसाब से एडिट कर लिया। देखो बॉटम सीट आप सीधे कॉपी करो, ये क्लासेस तो यहाँ पे बस आपको ये दो चीजें चेंज करनी है, और यहाँ पे आप न्यू कैटेगरी ऐड कर सकते हो टाइटल में। देखो ये तो है न्यू कैटेगरी का, पेरेंट कैटेगरी सेलेक्ट मैंने दे दिया है। अब यदि ऑल कैटेगरी होगा, मैंने दो डंडोरल्स, मैंने दो वेरिएबल पास किया था, एक कैटेगरीज एंड एक ऑल कैटेगरीज। तो यहाँ पे ऑल कैटेगरीज को मैं लिस्ट में लूप में घुमा दूंगा, और यहाँ पे आईडी एंड नेम शो करा दूंगा, एंड देन उसके नीचे मैंने कैटेगरी नेम रखा है। ये देखो ये मैंने ऑप्शनल रखा है, लेकिन कैटेगरी नेम हमारा रिक्वायर्ड होगा। और जैसे ही सबमिट करेगा ये आपका इस राउट को हिट करेगा, डी पैनल डॉट कैटेगरीज डॉट स्टोर मेथड पोस्ट एंड CSRF टोकन ऑल्सो एडिट, ये आपका क्रिएट का हो गया, एंड देन हो गया आपका एडिट बॉटम सीट। सेम एज मैंने इसको डुप्लीकेट कर दिया है, और यहाँ पे आईडी चेंज कर दिया है एडिट बॉटम सीट, एडिट कैटेगरी टेबल में, एंड यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन ऐड किया एक्स्ट्रा मेथड पुट, और यहाँ पे मैंने एक्शन को इम्प्टी कर दिया, और यहाँ पे एक आईडी दे दिया एडिट फॉर्म, एडिट फॉर्म जो कि हमारा यहाँ से कॉल हो जाएगा। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ टेबल्स को, और इस वाले को देखो यहाँ पे है ना एडिट फॉर्म डॉट एक्शन, यहाँ पे एक्शन बाय डायनेमिक सेट किया है जावास्क्रिप्ट से, मेथड मैंने पुट कर दिया है, और मैंने देखो सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे जो सिलेक्ट है ना, यहाँ पे मैंने आईडी दे दिया है सिलेक्ट पेरेंट आईडी, पेरेंट कैटेगरी आईडी जो कि यहाँ से है, और फिर इसमें भी मैंने दे दिया ताकि मैं जावास्क्रिप्ट से वैल्यू सेट कर सकूँ। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, बटन का नेम दे दिया अपडेट, और यहाँ पे देखो ये चीज आपको कॉल करनी होगी ट्रू और फॉल्स, ये तो आपको डैशबोर्ड पे मिल जाएगा नीचे, क्योंकि एग्जाम्पल्स वाले हैं। अब मैं इसको करूंगा सेव, अब मैं चलूंगा कंट्रोलर पे। चलो चलते हैं कंट्रोलर पे, ऐप HTTP कंट्रोलर डी पैनल कैटेगरी कंट्रोलर राइट, और हम यहाँ पे इंडेक्स वाला फंक्शन पे वर्क करेंगे। तो देखो गाइस मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऑल कैटेगरी के एक वेरिएबल बनाऊंगा, और यहाँ पे करूँगा कैटेगरी ऑर्डर बाई नेम ASP, एंड यहाँ पे मैं आईडी और नेम बस चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लिया हूँ लाइक दिस। गेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप ऐसे लिखोगे तो आपको ओनली आईडी एंड नेम ही मिलेगा। इसको मैंने पास कर दिया कॉम्पैक्ट के अंदर,
और फिर एक कैटेगरी लिया है यहाँ पे ने, क्या किया, विथ रिलेशनशिप के साथ पेरेंट कॉलन आईडी नेम और लेटेस्ट ही, जैसे मतलब जो लास्ट में ऐड होगा सबसे फर्स्ट दिखेगा। और फिर मैंने पेजिनेट कर दिया 20 पेज पर रिकॉर्ड, और गाइस 20 रिकॉर्ड पर पेज। और यहाँ पे रिटर्न कर दिया व्यू dpanel डॉट कैटेगरीज जो हमने फाइल बनाई थी, और सेकेंड पैरामीटर में कॉम्पैक्ट पास कर दिया, और यहाँ पे कैटेगरी सेट कर दिया है और ऑल कैटेगरी सेट कर दिया है। अब देखो हमें यहाँ पे पेरेंट का जो रिलेशन है ये भी डिफाइन करना पड़ेगा, तो मैं चलता हूँ कैटेगरी पे, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन क्रिएट करूंगा, फंक्शन जगह पेरेंट बिलोंग्स टू रिटर्न डॉलर दिस एरो बिलोंग्स टू सेल्फ कॉलन क्लास एंड लास्ट पे सेकंड पैरामीटर में पास कर दूंगा कैटेगरी आईडी, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा पब्लिक, हो गया। मैं करूंगा क्लोज, अब ये हमारा हो गया। अब मुझे देखो क्या करना है, मैं चलता हूँ पहले यहाँ पे आपको एक रन करना होगा पीएचपी सीएनपी रन बिल्ड ताकि सीएसएस हो जाए कंपाइल, और उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे सर्वर को, देन देखेंगे अपने प्रीव्यू को। और जब तक ये हो रहा है तब तक मैं नेक्स्ट वाला भी कर लेता हूँ स्टोर का। यहाँ पे मैं 100 वाले को डिलीट कर दूंगा, इसकी जरूरत नहीं है मुझे फंक्शन की। बस मैं क्या करूँगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं स्टोर कैटेगरी पे जाऊँगा और यहाँ पे कुछ चीज़ें वैलिडेट करूँगा, यहाँ पे इसको ट्रू करूँगा एंड देन यहाँ पे करूँगा कैटेगरी आईडी एरो लाइक दिस, रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड नहीं होगा, नलेबल होगा एंड न्यूमेरिक होगा। एंड देखो मैंने क्या किया, यहाँ पहले मैं इसको इम्पोर्ट करता हूँ रूल्स को, और ये हो जाएगा वैलिडेशन रूल। देखो टॉप पे इंपोर्ट हो गया, राइट। देखो मैंने क्या किया, प्रोहिबिटेड रिक्वेस्ट डॉट ट्राउट डॉट कैटेगरी आईडी, जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं जिसको एडिट कर रहे हैं वो, और जो पेरेंट कैटेगरी है वो मैच नहीं करनी चाहिए। देखो इसमें क्या करूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरा ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया था, तो आई डोंट नो वॉइस रिकॉर्ड हुआ कि नहीं। देखो मैंने क्या किया, कैटेगरी आईडी लिया है, उसको नलेबल किया है एंड न्यूमेरिक, एंड रूल में मैंने क्या लिखा है मैं थोड़ा फॉर्मेट कर लेता हूँ ताकि अच्छे से पता चले। लेवल वैलिडेट किया है, न्यूमेरिक वैलिडेट एंड रूल प्रोहिबिटेड इफ, ये डिक्लाइन कब होगा, जब जो रिक्वेस्ट कैटेगरी आईडी है एंड पेरेंट कैटेगरी आईडी सेम होगी। उसको मैंने नेम को वैलिडेट किया, रिक्वायर्ड एंड मैक्स 50 कैरेक्टर था हम ऐड कर सकते हैं। देखो ये हमारा हो गया, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे ये भी हमारे स्टार्ट क्या कहते हैं कंपाइल हो गया। मैं सर्वर को स्टार्ट कर देता हूँ, और ये जब तक सर्वर स्टार्ट हो रहा है मैं क्या करता हूँ यहाँ पे भी कर लेता हूँ कैटेगरी क्रिएट, इसके अंदर मैं पास करूँ रिक्वेस्ट वैलिडेट, वैलिडेटेड रहेगा इतना ध्यान रखना, और रिटर्न कर दूंगा बैक विथ सक्सेस, और यहाँ पे मैं मैसेज लिख दूंगा कैटेगरी क्रिएटेड सक्सेसफुली। ये हो गया, चलो बढ़िया। अब मैं डी पैनल पे चलता हूँ और देखता हूँ हमारा कैटेगरी क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। ओके तो गाइस देखो मैंने डी पैनल में लॉग इन तो कर लिया, साइड बार में ऑप्शन ही नहीं दिया, तो मैं क्या करूंगा ऐप पे जाऊंगा, रिसोर्स डी पैनल लेआउट ऐप डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी, और यहाँ पे देखो मैं क्या करूँ, अभी के लिए मैं इसको कमेंट कर दूंगा सारे को, डिलीट भी कर सकते हो आप या डिलीट ही मैं छोड़ देता हूँ, हो सकता है इन फ्यूचर हमें वर्क लगे, लास्ट में जब फाइनल हो तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। और यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया इसी को, मैंने डुप्लीकेट किया और यहाँ पे एडिट किया है, कैटेगरी नेम में डाल दिया, आइकन मैंने कैटेगरी कर दी, यूआरएल देखो इंडेक्स का डाल दिया, यहाँ पर सेगमेंट टू कैटेगरीज डाल दिया, इसको मैं फॉर्मेट करूंगा, सॉरी फॉर्मेट एंड सेव, एंड अगेन मैं करूंगा रिफ्रेश। अब मैं रिफ्रेश इसको करूंगा डी पैनल को और देखता हूँ, देखो अगेन कैटेगरीज, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आई होप एरर ना दे। देखो गाइस एरर ही देगी कि हमने डाटाबेस को माइग्रेट ही नहीं किया है। मैं यहाँ पे करूँगा सर्वर को स्टॉप,
पीएचपी आर्टिशन माइग्रेट एंटर कर दूंगा। तो आज देखो ये हमारा माइग्रेट हो रहा है, और जब तक माइग्रेट हो रहा है आप चैनल को सब्सक्राइब करो यार, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। तो वेट करते हैं माइग्रेशन का, आई थिंक सेकंड, चलो हो गया। मैं सर्वर स्टार्ट करता हूँ एंड इसको रिप्लेस करता हूँ। हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है, अब देखता हूँ। देखो ये आ गया, मैं न्यू पे क्रिएट करता हूँ। पेरेंट हमारा कुछ नहीं होगा अभी के लिए, मैं ऐसे करता हूँ, कुछ भी नाम मैंने दिया है रैंडम। वो एक एक्सटेंशन है उससे मैं ऐड करता हूँ। यहाँ पर देखो ऑप्शन आ गया ना, एरर आ गया पहले कैटेगरी डॉट आईडी। यहाँ पर देखो मैंने गलत जगह कर दिया है, देखते हैं आयो एरर ना दे। देखो हो गया ना, बस दैट परफेक्ट हो गया। अब हमें एडिट वाले पे और करना है। मैं एक और क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे मैं पेरेंट दे देता हूँ और यहाँ पे रैंडम वैल्यू फिल कर देता हूँ और सेव करता हूँ। आई होप एवरीथिंग इज गुड। देखो यहाँ पे आ गया पेरेंट, ये हमारा रूट है, ये हमारा चाइल्ड है, तो इसका पेरेंट यहाँ पे दिख रहा है, पेरेंट नेम राइट। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, तो ये तो डिलीट नहीं, अच्छा डिलीट ऑप्शन है। अभी एडिट पे चलते हैं, मैं एडिट पे भी यही काम करूंगा। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड कॉपी पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं पहले ट्रू करूंगा एंड देन जो यहाँ पे है वैलिडेशन, इसी को सेम एज कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर दूंगा। कॉपी एंड पेस्ट राइट। अब यहाँ पे रूल को मैं इंपोर्ट कर लूंगा। मैंने दूसरा लोड कर दिया, वैलिडेशन वाले को करना है ये चीज चेक करना का आपको यही इंपोर्ट हुआ हो राइट। मैं चलता हूँ कंट्रोलर पे और यहाँ पे मैं सेम एज इसको मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा मैं डॉलर कैटेगरीज, कैटेगरी होगा एरो अपडेट। डॉलर कैटेगरी मुझे यहाँ से मिल जाएगा राउट मॉडल बाइंडिंग से अपडेटेड। यहाँ पे मैसेज लिख दूंगा सक्सेसफुली, चलो बढ़िया। अब मैं करता हूँ इसको रिप्लेस, ऐसा बहुत ज्यादा हैंग कर रहा है। मैं करता हूँ एडिट, यहाँ पे मैं कर देता हूँ अपडेट यूपी पी अपडेट, और इसको मैं कर देता हूँ सेलेक्ट ताकि ये रूट दिखे। मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ आई होप वर्क किया हो। दैट्स गुड, देखो हो गया ना। अगेन एडिट करता हूँ और चाइल्ड में फिर से दे देता हूँ, अपडेट पे क्लिक करता हूँ, दैट्स गुड चलो हो गया। अब मुझे बस डिलीट पे वर्क करना है, तो करते हैं काम। देखो मैं क्या करूँगा, ट्राई कैच हो गया। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा, यहाँ पे भी पेस्ट करूंगा एंड डॉलर कैटेगरी डिलीट। बस इतना मैंने कॉल किया, यहाँ पे कैटेगरी डिलीट सक्सेसफुली एंड यहाँ पे मैं करूंगा मैसेज टाइप करता हूँ। यहाँ पे मैं एरर करूंगा, देखूंगा मैं क्या करूँगा। यहाँ पे पहले तो मैं पेस्ट करता हूँ अदर डिटेल्स, अदर डाटा डिपेंड ऑन दिस कैटेगरी राइट। चलो ये हमारा डिलीट हो गया। गाइस मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ऐसे तो कर दिया है लेकिन ये चीज़ यहाँ पे होगी नहीं, मैं इसको डिलीट कर दूंगा। ये मेरा बस अपडेट के लिए होगा, अपडेट राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हटाने की जरूरत तो नहीं है। अब मैं डिलीट करके देखता हूँ रूट को डिलीट करूँ, क्योंकि ये डिपेंड करते तो डिलीट नहीं होगा, देखते हैं, क्योंकि ये इससे ये वाला इस पर डिपेंड करता है, कनेक्टेड है कि हमारा रूट वाली अभी डिलीट नहीं हुई कैटेगरी। लेकिन यदि मैं फर्स्ट देखो अदर डाटा डिपेंड ऑन दिस कैटेगरी, लेकिन मैं फर्स्ट वाले को डिलीट करूँ तो हो जाएगा। मैं डिलीट करता हूँ, देखो सक्सेसफुली डिलीट हो गया। तो गाइस हम लोगों ने कहा कैटेगरी का जो क्रड है कम्प्लीटली फुल एंड फाइनल कम्प्लीट कर लिया है, तो